ओके तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ ग्रीन सब के इस ट्यूटोरियल में, जो आज से हम लोग नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं, एक नया ट्यूटोरियल जो कि CSS3 का है। इस CSS3 में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि कहाँ पे यूज़ होना है, इसका किस तरह से यूज़ होना है। तो आइए मैं बताता हूँ कि CSS का कैसे कैसे करने वाले हैं। तो CSS3 जो है एक्चुअली लेटेस्ट वर्जन है, अभी CSS4 अभी आया नहीं है, ड्राफ्टिंग में ही है, उसके ऊपर काम चल ही रहा है, कुछ आया नहीं। तो CSS3 लॉन्च कर गया है हमारा और हम लोग CSS3 पे ही अभी काम करेंगे। तो CSS का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं और किस तरह से करते हैं ये ज़रा जाने। जब भी हम लोग HTML का कोई सिंपल सा फाइल लिखते हैं तो उस पर क्या करना होता है, हम लोगों को CSS अप्लाई करना होता है। क्यों? उसको स्टाइल करने के लिए, यानी हमारा HTML का फाइल कैसा दिखेगा, यानी कि किस तरह से वो प्रेजेंट होगा, यानी कि कितना अच्छा दिखेगा और कितना ख़राब दिखेगा, वो CSS पे ही डिपेंड करेगा। तो हमारा CSS जितना अच्छा होगा हमारा वेब पेज का लुकिंग उतना ही अच्छा होगा। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि HTML का फाइल हमारा सिंपल सा फाइल होता है, उसको हम लोग स्टाइलिंग करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल बात यही है, इसीलिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि CSS का कैसे कैसे कहाँ से शुरुआत हो गया। 1994 में ही हॉकन विलियम ली जो थे उन्होंने एक्चुअली CSS को इंट्रोड्यूस किया था, और फिर CSS का वर्जन 1 आया, 2 आया, 2.1 आया, अभी फिर 3 आ गया है। जैसा कि विकिपीडिया के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है कि 1999 में CSS 3 आ गया था हमारे मार्केट में, इंट्रोड्यूस हो गया था, उस समय से चल रहा है। और CSS 3 का जो लेटेस्ट वर्जन, इसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन, वो हर चीज़ है जो कि एक्चुअली CSS 2 और CSS 1 में नहीं था, यानी ये हमारा अपडेटेड वर्जन है। रिस्पॉन्सिव भी इसके थ्रू हम लोग इजीली बना सकते हैं हम अपने वेब पेज को। तो आइए CSS के कुछ जानते हैं चीज़ों को। जैसे कि CSS जो है जनरली तीन तरह के CSS को इम्बेड करने का तरीका है CSS 3 का। पहला जो है कैसा है, हमने दिया है इनलाइन CSS पहला। दूसरा है इंटरनल CSS, इंटरनल CSS, एंड जो लास्ट है वो हमारा है तीसरा एक्सटर्नल CSS। ये तीन ही तरीका है हमारे पास CSS को यूज करने का, तीन ही तरीका है हमारे पास CSS को यूज करने का, एक्सटर्नल, ओके, इनलाइन हो गया और इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया। हम लोग इसको टैग के अंदर ही यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि देख के चलिए कि कोई एक टैग है, कोई भी एक टैग है, जैसे कि मान लीजिए कि वो टैग हमारा H1 है और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हमने हेलो लिखा है H1 में, तो इस H1 में क्या हो जाए कि हमारा कोई एक ऐसा कुछ भी आ जाए इस पे इफेक्ट, तो हम लोग उसी टैग के अंदर इस तरह से लिखते हैं स्टाइल कलर। ये सिंटेक्स भी है इस तरह का, अभी और भी हम लोग आगे बात करेंगे कलर ले, तो इसका क्या हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इनलाइन CSS किसी भी खास टैग पे, खास लाइन पे CSS अप्लाई करने के लिए होता है ना, किसी खास टैग पे यूज करने के लिए हम लोग ये करते हैं। किसी खास टैग पे जब CSS अप्लाई करना होता है, किसी पर्टिकुलर टैग पे CSS अप्लाई करना होता है, तो हम लोग इनलाइन CSS यूज करते हैं। और जब इंटरनल CSS की बात आती है तो कहने का मतलब है किसी एक पेज की बात करना होगा, किसी एक पेज पे जब 2, 4, 10 टैग पे एक ही तरह का CSS अप्लाई करना होता है तब हम लोग इंटरनल CSS यूज करते हैं। जैसे मान के चले कि हमारे एक पेज में, जैसे होम पेज है, और उस होम पेज में
उस होम पेज में, या मैं कोई भी एक पेज ले ही लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो कि जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी एक नया ही पेज ले लेता हूँ, मैं समझाता हूँ कैसे होता है। एक न्यू न्यू पेज लिया और यहाँ पे हम लोग HTML करते हैं, HTML5 है ना ये। अब यहाँ पे हम लोग H1 ले रहे हैं और इसमें 5H1 है, ठीक है, सेव कर दो, मैं करके दिखाता हूँ, आ जाए और बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा HTML का फाइल है, CSS इंट्रोडक्शन, CSS का इंट्रोडक्शन। ये जरा देखिए, जब मैं यहां पे लिखता हूँ हेलो 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 लिखा, इसको हेलो लिखा, और अगर मुझे इस पे CSS अप्लाई करना है ना, हेलो लिखा, मैं इस पे भी हेलो लिख देता हूँ, मैं सारे पे हेलो हेलो कर देता हूँ, ठीक है, हेलो कर दिया, हेलो इस पे भी कर दिया मैंने, और हेलो इस पे भी कर दिया, ठीक है, सारे जगह पे हेलो हेलो हो गया। इस पेज को मैं रन करा लेता हूँ, किसी पे भी करा लेता हूँ, क्रोम में कर लेता हूँ। अब जरा देखिए, ये जो हमारा पेज है इसमें हम तीनों अपना CSS यूज करेंगे, ठीक है, हेलो हेलो हेलो। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज कर ले CSS के हिसाब से, ठीक है, तो कैसे होगा, एक इमेज भी मैं लगा लेता हूँ इसमें, क्या भी रहने देता हूँ, ठीक है, इस पे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि मेरा ना ये हेलो का कलर अलग हो, स्टाइल, तो जरा यहाँ पे देखो, हम चाहते हैं कि इस पे एक हेलो ले ले, इस पे इसका कलर चेंज हो जाए, इस वाले का, बाकी का कलर जैसा रहे वैसा रहने देते, तो सिर्फ मुझे इसका जब कलर चाहिए तो हमारे पास इस पे ये CSS का तरीका हमारा यूज होगा, कैसा, ये वाला CSS का तरीका, इनलाइन CSS यूज करेंगे हम, कैसा करेंगे, क्योंकि किसी खास लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस पे जब हमें अप्लाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टाइल स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये सिंटेक्स है इनलाइन CSS का, ये वाला स्टाइल लिखना होता है, यहाँ ओपन किया और यहाँ पे ओपनिंग और इसका ही क्लोजिंग पे, यहाँ से हमने स्टाइल को शुरू किया लिखा, और यहाँ पे हम लोग वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना है हमारा टेक्स्ट का, तो हम लोग क्या चेंज करना चाहते हैं, कलर, तो कलर दिया, और कलर का अब वैल्यू देंगे हम लोग, रेड ग्रीन ब्लू, तो हम लोग रेड लेना चाहते हैं तो रेड दिया। अब याद रखें CSS में सेमी कॉलन भी लगता है, तो हम सेमी कॉलन दिए, इसको सेव किए और वापस से चल रहे हम लोग अपने पेज पर। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सिर्फ एक का कलर कैसा हो गया है, रेड, कलर रेड हो गया ना। अब मेरा कैसा था ना कि नहीं, इन सारे का कलर चेंज होना चाहिए, सारे का कलर चेंज करना हो करना है मुझे, इन सारे का कलर चेंज करना है, तो मेरे पास क्या तरीका है कि मैं इसी स्टाइल को क्या करूं, कॉपी करके सारे जगह पे पेस्ट कर दूं, क्या करूं, सारे को अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं सारे जगह पे क्या करूं, कॉपी एंड पेस्ट। देखो ये इनलाइन CSS था, अभी हमने किया, देखो सारे पे हो गया अप्लाई, बट यहाँ पे देखे कि स्टाइल को हमें कितना टाइम लिखना पड़ा, 5 times, और काम क्या हो रहा है, सिर्फ कलर चेंज करने का। मान लो कि ये 5 है तो हमने कर दिया, अगर 100 H1 रहता तो हंड्रेड ऑफ टाइम H1 रहता, हाँ तो फॉन्ट यूज कर लेते, तो फॉन्ट का एक लिमिटेशन है, बट CSS का कोई लिमिटेशन है, बहुत सारा चीज है, जैसे उसका शैडो करना है, ठीक है, लाइन के हाइट को बढ़ाना है, फॉन्ट में ये चीज अवेलेबल नहीं है। जैसे एक दूसरा मैं दिखाता हूं, लाइन हाइट, ठीक रहो, देखो लाइन हाइट 100 पिक्सल कर देता हूं, दिख रहा, लाइन हाइट बढ़ रहा है, लाइन के बीच में हाइट, फॉन्ट टैग में वो सारा चीज नहीं है, अभी बोल रहे हो कि फॉन्ट टैग यूज कर लेंगे, तो और आ जाओ,
फॉन्ट टैग में सब कुछ अवेलेबल नहीं। लेटर स्पेसिंग ठीक है, देखो फॉन्ट टैग में ये अवेलेबल है, तो बहुत सारा चीज है जो फॉन्ट टैग के थ्रू नहीं हो सकता आपको सीएसएस, इसीलिए हम जैसे चाहे वैसे गेम कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू, ठीक है ना। इसको ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं, इसको रोटेट करा सकते हैं, इस पे एनिमेशन डाल सकते हैं, इसका शैडो दे सकते हैं, ठीक है, बट फॉन्ट टैग के जरिए नहीं करेंगे। ये हमारा एक तरीका था। तो अब देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि यही वाला चीज सब पे अप्लाई हो, तो हम फिर से सारे कोड को कॉपी करेंगे, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है जरा वो देखिए। दूसरा तरीका हमारे पास दूसरा तरीका कैसा है, कैसा तरीका है दूसरा, इंटरनल सीएसएस दूसरा तरीका है हमारे पास। अब उस दूसरा तरीका को हम लोग कैसे यूज करेंगे ये जरा देख लीजिए। पहले तो इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया सबको, हटा दिया, वापस से देखो कैसा हो गया, हो गया। अब हमारे पास इंटरनल सीएसएस को कैसे हम लोग लिखते हैं, उसको लिखते हैं किधर, हेड टैग के अंदर। हमारे पास एक स्टाइल टैग है, इस स्टाइल टैग को ओपन करना है, स्टाइल टैग को क्लोज करना, ठीक है, स्टाइल टैग को ओपन किया और स्टाइल टैग को क्लोज किया। अब इसके अंदर हम लोग सीएसएस लिखेंगे, स्टाइल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच, और स्टाइल हमारा कहाँ होना चाहिए, हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच, ये ओपन हो गया। अब सीएसएस का जितना कोड है कहाँ जाएगा, अब देखो यहाँ पे तीन बात है, पहला सेलेक्टर, दूसरा प्रॉपर्टी एंड तीसरा वैल्यू। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सेलेक्टर, है ना, और इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी और दूसरा उसका वैल्यू और सेमीकोलन, इस तरह से लिखाएगा। तो ये सेलेक्टर क्या है, ये बात करेंगे हम लोग सेलेक्टर के विशेष लेक्चर के ऊपर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू क्या है, जैसे कि कलर एक प्रॉपर्टी है ना, उसका लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी था, लेटर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी था, और उसका वैल्यू हमने दिया था रेड 100 पिक्सेल 10 पिक्सेल, तो ये सब वैल्यू है प्रॉपर्टी। तो सेलेक्टर हम लिख, तो सेलेक्टर बहुत तरह का है, नेम सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक है, आईडी सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर है। सेलेक्टर के जब हम बात करेंगे तो विशेष सेलेक्टर की बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ टैग सेलेक्टर का यूज करते हुए या टैग नेम सेलेक्टर का यूज करते हुए तो हमें किस पे अप्लाई करना है, तो आसानी से जिस पे मुझे अप्लाई करना है उसका सिर्फ हम टैग का नाम इधर दे देंगे। किस पे अप्लाई करना है बोलो, एच वन पे अप्लाई करना है, तो एच वन लिखा, और एच वन पे कौन कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, पहला क्या अप्लाई करना है, ये सारा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। मैं इसको जस्ट यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था ये, दूसरा क्या था ये, तीसरा ये। अब देखो ये कलर क्या है प्रॉपर्टी, लाइन हाइट क्या है प्रॉपर्टी, लेटर स्पेसिंग क्या है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे रेड क्या है वैल्यू, 100 पिक्सल क्या है, तो इसको मैं उड़ा लेता हूँ, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, कर दिया। अब देखो इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है, ये देखो अब जितने भी एच वन है उन सारे के सारे भी ये अप्लाई हो गया होगा, ठीक हो गया। चलो अभी तो सिंपल है, अभी जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस का अभी मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा एक्सटर्नल सीएसएस को जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस कैसा है। एक्सटर्नल सीएसएस वो कैसे है, एक्सटर्नल सीएसएस जैसे कि देखो ये एक फाइल है, और मैं कंट्रोल सी करता हूँ और न्यू करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, इसको एस करता हूँ, इसको बोल देता हूँ इंट्रो टू डॉट एच टी, ठीक है। ये अभी देखो ये भी फाइल है और ये भी फाइल है, तो मुझे दोनों जगह सी एस एस लिखना पड़ रहा है ना, रन कराता हूँ उसको। देखो ये अभी कौन खुला हुआ है, इंट्रो टू, और ये कौन खुला हुआ है, इंट्रो सिर्फ, ठीक है, तो दोनों पे अप्लाई है, तो इसमें भी मुझे सी एस एस लिखना पड़ रहा है, और क्या करना हो रहा है मुझे, इसमें भी सी एस एस लिखना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही सी एस एस का फाइल लिखेंगे और दोनों जगह पे यूज हो जाए। अगर दो पेज है तो हम लिख रहे हैं, अगर 100 पेज होता तो मुझे 100 पेज पे जाकर लिखना पड़ता, और मगर मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा यही कोड सारे जगह परफेक्ट हो जाए, सिर्फ एक लाइन के थ्रू, क्या एक लाइन लिखे और सब पे अप्लाई हो जाए। तो कैसे करेंगे, एक तो हमें सेपरेट सी एस एस का फाइल लिखना होगा, यहाँ पे बोलना होगा कंट्रोल एस, और एक्सटर्नल के केस में
हमें css का .css एक्सटेंशन देना पड़ेगा। हमने दिया .css एक्सटेंशन, दे दिया। चलो यहाँ पे css को सेव कर दे। देखो जो हमारा css ये प्रॉपर्टी है बस हम इसी को यूज करेंगे। किसको? ठीक है, इसी को कहाँ पेस्ट करता हूँ मैं? यहाँ। और हमारा टैग सेलेक्टर कौन सा था, याद रहे? h1। तो सेलेक्टर हर जगह यूज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेलेक्टर यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं ये css मेरा लिखा गया अलग से। मैं अब यहाँ से भी हटा देता हूँ, ये हट गया और ये भी हट जाएगा। ठीक है, हट गया। अब देखो ये है दोनों फाइल। अब ये दोनों फाइल में से css का इफेक्ट हट गया होगा, देखो हट गया, हट गया। अब देखो कि क्या है कि अब इस css के फाइल का इफेक्ट मुझे किस पे चाहिए, इस पे और इस पे। तो मुझे क्या जरूरत करना है, अब करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे जरूरत किसका लग रहा है, एक्सटर्नल css का। ठीक है, क्योंकि जब भी 2-3-4 पेजेस हो और सेम कोड का इफेक्ट मुझे सारे पेजेस पे देना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल css यूज करूंगा। अभी समझ में आ रहा है एक्सटर्नल css? अब इस css, ये जो css है हमारा, ये एक्सटर्नल css, तो मैंने जब भी अलग फाइल बनाया तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक्सटर्नल css। यानी जब भी मैं अलग फाइल बनाता हूँ .css से, तो जब उसको वो css फाइल बन गया। अब देखो css का कोड तो लिख दिया है मैंने, h1 पे अप्लाई भी कर दिया है, तो अब ऐसा हम लोग क्या करेंगे कि हमारे इस पे और इस पे फाइल का इफेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमें css के उस फाइल को क्या करना होगा, इस फाइल में लिंक करना होगा। तो लिंक करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे टैग हमारे पास, आप लोगों ने उसको देखा ही है, लिंक टैग को आप लोगों ने देख लिया है, लिंक टैग जो कि फेविकॉन लगाते वक्त हम लोगों ने देखा है। अगर आपको HTML के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप हमारा HTML का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, इसमें HTML5 का ट्यूटोरियल ऑलरेडी है। लिंक टैग के बारे में हमने डिस्कस किया था फेविकॉन लगाने के टाइम में। तो हमने यहाँ पे href देना है, href, और href देके हम css का लोकेशन देंगे और साथ में रिलेशन पूछेंगे। तो रिलेशन को हमने बताना है कि रिलेशन, हमने आइकन लगाते समय रिलेशन क्या बताया था, फेविकॉन लगाते समय रिलेशन क्या बताया था, आइकन। तो यहाँ भी क्या लगा रहे हैं, स्टाइल शीट। तो क्या करना होगा, स्टाइल शीट और style.css। ठीक है, हमने ये href के अंदर किसको लिखना है, इस css के फाइल का नाम। ठीक है, तो हमारा देखिए ये जो हमारा फाइल का जो कुछ भी लोकेशन है फाइल का, वो देखो इसी में, यानी हमारा html का फाइल और इसी में css के अंदर ही दोनों है मेरा, यानी css के अंदर ही स्टाइल है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्टरी में है, तो सीधा css के फाइल का नाम लिखे यहाँ पे और उसका एक्सटेंशन दिए href के अंदर, और रिलेशन में हमें क्या कहना है, स्टाइल सीट, और सेव करना है। सेव किया और पेज को रिफ्रेश करना है, ये देखिए इफेक्ट हो गया। अभी इस पे उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसका लिंक इधर नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉपी और उसको इधर भी लिंक कर दूंगा सेम कर। तो देखो अभी क्या हो रहा था, सिर्फ एक लाइन से css का इफेक्ट पड़ गया ना, अभी मुझे दोनों जगह पे लिखना था css का जाके। अब देखो मैं दोनों पे अप्लाई करता हूं, इस पे भी हो गया। समझ में आ रहा है, css का अपना मजा है, अलग है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, दोनों पे। तो हमने आज ये समझा कि html क्यों यूज करते हैं, css क्यों यूज करते हैं, css html के फाइल को, यानी html का जो पेज होता है उसको बेहतर तरीके से डिजाइन करने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए css का यूज करते हैं। ठीक है, css को इन्वेंट करने वाले का नाम हैकॉन विलियम ली था, जो कि ओपेरा के को फाउंडर थे। ये अभी हैकॉन विलियम ली जो है अभी एक्चुअली काम कर रहे हैं सर्न पे टिम बर्नर्स-ली के साथ।
ठीक है, और ये ओपेरा के को फाउंडर है अभी शायद भी। तो अभी इन्होंने दिया है 1994 में एक्चुअली, और अभी सीएसएस का लेटेस्ट वर्जन 3 आ गया है जिसपे हम लोग यूज कर काम करेंगे और जिसको हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। तो सीएसएस 3 का एडवांटेज ये है कि इसमें बॉक्स मॉडल आया और एक्चुअली एनिमेशन आ गया, विशेष तरह का ट्रांजिशन वगैरह इसके अंदर है, यानी पूरा अपडेटेड मॉडल है ये सीएसएस का, ठीक है। और हमने सीएसएस के तीन तीन तरीके को जानना, एम्बेड करने का, सीएसएस को यूज करने के, सीएसएस को यूज करने का तीन तरीका भी हम लोगों ने इधर जाना है। पहला तरीका था इनलाइन, दूसरा तरीका था इंटरनल, और तीसरा तरीका था एक्सटर्नल। इनलाइन तब हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी खास टैग पे सीएसएस अप्लाई करना हो, जब किसी एक पेज पे हमें सीएसएस अप्लाई करना हो तो हम लोग इंटरनल यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा पेज पे हमें सीएसएस अप्लाई करना हो तो हम लोग कैसा यूज कर लेते हैं, एक्सटर्नल। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग विशेष सीएसएस के सिंटैक्स पे बात करेंगे और फिर हम लोग सीएसएस के सेलेक्टर की बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।